दोस्तों पाई नेटवर्क का मैनेट जो है यहाँ पे डिले हो चुका है। आप सबको पता है कि एक न्यूज आई थी जहाँ पे बताया गया था कि पाई नेटवर्क का जो है मैनेट आ सकता है। इस पे कॉन्फ्रेंस होने वाला है 18 जून को। हाँ, 18 जून की 20 जून को होने वाला है। उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि ओपन मैनेट कब आएगा। ऑलमोस्ट यही क्लियर आउट था कि ओपन मैनेट इसका आने वाला है। ओपन मैनेट आ जाता तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती, बट ओपन मैनेट नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसके पीछे हम लोग जानेंगे। रीजन क्या दिया गया है, कुछ अपडेट निकल के आई है। साथ में दोस्तों जो है पाई नेटवर्क 28 जून को पाई टू डे यानी कि सेकेंड डे मनाया जाता है, तो इस दिन कुछ बड़ा होने वाला है कि नहीं होने वाला है। मैं तो एक वीडियो में बताया हूँ, फिर भी आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि भाई पाई नेटवर्क कुछ ज़्यादा ही फंसा के रखा हुआ है सबको, लेकिन उसी के साथ साथ एक अच्छी उपलब्धि भी हासिल कर रहा है। उन सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। खास करके यही डिस्कशन इस वीडियो में रहेगा कि ओपन मैनेट क्यों नहीं आया और कब तक आएगा, डिले होने के पीछे रीजन क्या दिया जा रहा है। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। जितने भी पायनियर हैं सभी लोग, भाई मुझे पता है कि सभी लोगों पर क्या बीत रही है। लोग भैया 2019 से माइनिंग कर रहे हैं, 4 साल हो गया। जो लोग तो भैया बाद में ज्वाइन किए हैं, 1.5 साल हुआ है, तो चलो उन लोगों का मतलब कि थोड़ा सा कम है, लेकिन जो 4 साल पहले माइनिंग किए हैं उनका क्या होगा। अगर मैं 4 साल पहले माइनिंग किया रहता तो अब तक बोर हो गया होता। मेरा भी 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तो सोचो भाई। लेकिन मेरी तो केवाईसी हो चुकी है, मेरी तो केवाईसी हो चुकी है। कम से कम ये रहता है कि मेरी केवाईसी हो गई है। जिन भाइयों का केवाईसी नहीं हुआ है उन पे क्या बीत रही होगी। आज जिनका केवाईसी पेंडिंग में पड़ा हुआ है उन्हें खुद क्लियर नहीं है कि भाई केवाईसी मेरा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, और ये भी उम्मीद नहीं है कि दोबारा आएगा, क्योंकि उनका केवाईसी तो फेल हो गया है, मतलब कि पेंडिंग में है ना। कम से कम फेल होता तो फिर ये होता कि चलो दोबारा आएगा, या पास आउट होता तो कुछ तो, लेकिन सबका पेंडिंग में पड़ा हुआ है बहुत सारे लोगों का, और कुछ लोगों का हुआ केवाईसी। तो इस पे जो है पाई नेटवर्क को काम करना चाहिए कि कम से कम केवाईसी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करे। इस काम को तो करना चाहिए भाई, लेकिन कर ही नहीं रहा है। चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को मैं अच्छी अच्छी चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा। 4 साल से जो भी लोग माइनिंग कर रहे हैं, मुझे पता है कि पाई नेटवर्क से तो कुछ नहीं पाए, लेकिन डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे माइनिंग ऐप के बारे में मैंने दिया हुआ है वीडियो वगैरह लिंक, जाके ज्वाइन करो। जैसे कैंडी पॉकेट हो गया, ओमेगा नेटवर्क हो गया, और आपका जो है एक और कैटली एयर ड्रॉप हो गया, सुपर एक्सचेंज पे एयर ड्रॉप चल रहा है, सब जाके आप लोग ज्वाइन करो। फ्री में है, सब मिल रहा है, सब लॉन्च है, सब विड्रॉ हो रहा है, उसको आप लोग चेकआउट करो ना। पाई नेटवर्क के साथ भी जुड़े रहो, मेरे चैनल से भी जुड़े रहो, आप लोग वहाँ से भी अर्निंग करो, वहाँ से तो कम से कम निकालो। पाई नेटवर्क तो इतना मुझे भरोसा है पाई नेटवर्क पे कि ये देगा प्रॉफिट तो हमें देगा, और एक बड़ा प्रोजेक्ट भी निकलेगा, क्योंकि इसका जो है ब्रांड वैल्यू जितना बड़ा है उतना दुनिया में कोई भी क्रिप्टो का नहीं है, कोई भी क्रिप्टो का नहीं। ये मार्केट में अभी लॉन्च नहीं है तब इसका इतना है, सोचिए जब लॉन्च होगा तो क्या होगा। तो अभी अगर हम लोग इसके होम पेज पे देखेंगे तो कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। बस वही हुआ जो पीछे मैंने डिस्कशन किया पिछली वीडियो में कि 19 जून को एक अपडेट आया था जिसमें नहीं, ये नया अपडेट आ गया फिर से, मैंने तो 18 तारीख को वीडियो बनाया था। हाँ, इसमें यही है कि पाई आर्ट के बारे में बताया जाएगा 28 जून को, और कुछ नहीं होने वाला। 28 जून को उम्मीद किए थे सभी लोग कि लॉन्च होगा या कुछ बड़ा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया। यहाँ पे जो है पाई सेकेंड डे यानी कि 28 जून को कुछ नहीं होगा, बस आपका पाई आर्ट वगैरह सेलेक्ट होगा, उसी का एक वीडियो बना के आएगा जो हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में, अगली अपडेट में जब भी आएगी। तो इसके पीछे जो रीजन है उसको भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए वो रीजन आउट हुआ है बीएससी न्यूज की तरफ से, बाइनेंस का ही न्यूज वेबसाइट है, तो उस पर आर्टिकल आया है कि क्यों नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। द रीजन सरपासिंग रीजन बिहाइंड पाई नेटवर्क डिले ओपन मैनेट लॉन्च। ओपन मैनेट जो लॉन्च है इसके पीछे डिले होने का वजह क्या है, क्योंकि 18 जून को जो है कॉन्फ्रेंस होने वाला था, उसमें ही डिस्क्राइब आउट होने वाला था कि ओपन मैनेट आएगा, लेकिन अभी तक ये भी नहीं पता चला कि वो कॉन्फ्रेंस हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन एक ऑथेंटिक न्यूज आई थी, तो इस पूरा इस अपडेट को अगर मैं पढ़ा हूँ, मतलब इस पोस्ट को, इस आर्टिकल को, तो एक चीज ही हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फोकस और उस पर ध्यान दिया गया है कि पाई नेटवर्क ओपन मैनेट लॉन्च डिले ड्यू टू अ लो नंबर ऑफ केवाईसी पार्टिसिपेंट एसेंशियल नेटवर्क सिक्योरिटी एंड कंपाइलियंस। कुल मिला के मतलब कि केवाईसी जो है लो नंबर में है,
इसलिए ओपन मैनेट नहीं आया। इसका कोई मेरे समझ से बहुत ज्यादा तुक नहीं बनता है। अगर पाई नेटवर्क चाहे तो केवाईसी करवा सकता है, लार्ज स्केल में करवा सकता है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं वो तो वही जानेंगे। ओपन मैनेट इसलिए नहीं आ रहा है कि केवाईसी वगैरह नहीं हुआ है ज्यादा लोगों का, लेकिन ज्यादा लोगों का होगा तब ना जब आप कराएंगे, और कुछ खास रीजन नहीं है। और यही रीजन था कि टेस्टिंग वगैरह का, तो आप लोग कितने दिन से क्या टेस्टिंग कर रहे हैं? हाँ, यूजर बढ़ रहे हैं, मुझे इतना पता है कि भाई 50 मिलियन तक यूजर चले गए हैं। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज्वाइन कर लेना, इसमें मैं आपको वीडियो देता रहता हूँ, कुछ चीज आती है तो वो भी देता रहता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाना, ठीक है? तो यही सब चीजें देखने को मिली। और यहाँ पे जो है इधर देखेंगे तो पाई नेटवर्क का अच्छा खासा जो है यूजर बेस बना हुआ है। ये सब वीडियो अगर आप लोग देखेंगे ट्विटर पे, तो यही चीजें थोड़ा सा और एक्साइटिंग होती है कि यहाँ पे पाई नेटवर्क का इस तरह तरीके से जो है इसका सिस्टम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए वियतनाम में, वियतनाम, इंडोनेशिया, चाइना, इन सब में पाई नेटवर्क का अलग ही लेबल है। लेकिन इन सब लेबल का क्या ही मतलब जब हमारा कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो कुल मिला के ओपन मैनेट जो है, ओपन मैनेट लॉन्चिंग के पीछे एक ही रीजन यहाँ पे आउट हुआ है कि केवाईसी नहीं हुआ है। तो ये तो पाई नेटवर्क का ही दिक्कत है ना, यही सब है यार। देखो थोड़ा सा सब्र करो, लेकिन इतना मुझे भरोसा है, आप लोगों को भी मैं भरोसा दिलाता हूँ कि पाई नेटवर्क एक बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, एक बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा। थोड़ा सा डिले, थोड़ा सा क्या, बहुत डिले हो रहा है, बट बनेगा। अब साथ में आप लोग जो है और माइनिंग ऐप है उसको भी ट्राई आउट करो, उसमें देखो कोर माइनिंग आया, वहाँ पे भी अभी भी चल रहा है, उसको ज्वाइन करो। वो लॉन्च हो गया, ओमेगा लॉन्च हो गया, और आपका कैंडी पॉकेट, इन सब को ज्वाइन करो ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हो आप लोग, फ्री में है सब कुछ है। पाइनेटवर्क को भी साथ साथ रखो। तो कुल मिला के यही भैया, देखते हैं कि कब क्या होगा। जो भी ऑथेंटिक अपडेट आएगी, न्यूज आएगी, मैं कवर करके आप सबको बताऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लो, लाइक करो। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।